करवा दूंगी। ओके सो ऑन विच क्वेश्चन व्यूअर? सेवेंथ क्वेश्चन कर लिया था, सो वी हैव टू डू द एट्थ क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स, इसमें से आपने बताना है कौन से सॉल्यूशंस हैं। सॉइल, इज सॉइल अ सॉल्यूशन? मिक्सचर होता है। एयर, एयर इज ऑल्सो मिक्सचर। सोडा वाटर, सोडा वाटर, सोडा वाटर इज अ सॉल्यूशन। दो चीजों का सॉल्यूशन ही है ना, ठीक है। सी वाटर सॉल्यूशन क्या होते हैं? जिनमें सॉलिड या लिक्विड चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सॉलिड और गैस, दे आर प्रेजेंट इन द लिक्विड, ओके, सो दैट फॉर्म द सॉल्यूशन। लिक्विड ही टेक्सचर जिनका होता है। सी वाटर, सी वाटर इज ऑल्सो सॉल्यूशन, ठीक है। एंड कोल, तो ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट? सॉल्ट सॉल्यूशन, क्यों? सॉल्ट सॉल्यूशन इज अ ट्रू सॉल्यूशन, और ट्रू सॉल्यूशंस कभी भी टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन इज अ ट्रू सॉल्यूशन। हेवन, मैंने बाहर निकाल देना है। मिल्क, मिल्क इज अ कोलाइड, ठीक है, तो कोलाइड है, दैट इट विल शो अ टिंडल इफेक्ट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, व्हाई? दैट इज ऑल्सो अ ट्रू सॉल्यूशन, एंड ट्रू सॉल्यूशंस दे डोंट शो टिंडल इफेक्ट, ओके, सो नो टिंडल इफेक्ट इन देयर केस। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट, स्टार्च, स्टार्च इज ऑल्सो कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, then they both will show the Tyndall effect, okay? चलिए next is, classify the following into elements, compounds and mixtures. इसमें से आपने बताने हैं कि elements कौन से हैं, compounds कौन से हैं और mixtures कौन से हैं. So let's divide them and just raise your hands. Collective response नहीं चाहिए मुझे. एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। सो यहां पर हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं, कंपाउंड्स, एंड मिक्सचर्स। जस्ट रेज योर हैंड्स। फॉर सोडियम, सोडियम, Heaven, sodium, so sodium is an Na, okay. Next is soil, soil is a mixture. नेक्स्ट इज शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन इज ऑल्सो अ मिक्सचर। नेक्स्ट इज सिल्वर, मिलन, सिल्वर, अगर मैं सिल्वर क्लोराइड कहती, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इज कंपाउंड। नेक्स्ट इज टिन, लेड, लेड, लेड अ मिक्सचर बोल दो, लेड इज ऑल्सो एन एलिमेंट। चलिए नेक्स्ट बोलो, सिलिकॉन, सिलिकॉन इज ऑल्सो एन एलिमेंट। कोल,
कोल एनीवन एल्स हेवन आपको क्या लगता है बेटा कोल क्या है किस किस का आप कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर पढ़ के आए हो ना उसमें कोल जो है वो कैसे ऑब्टेन होता है कोल कैसे ऑब्टेन होता है किस किस का मिक्सचर है मिक्सचर है कि एलिमेंट है अकेला कार्बन होता है दैट इज एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स ठीक है तो मिक्सचर है ये कोल जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स है उनका रिमेन्स है ओके एंड दैट गेट ब्यूरेड इनसाइड द अर्थ ठीक है तो अंडर हीट एंड प्रेशर कन्वर्ट किसमें हो जाता है कोल में ठीक है तो एक स्पेसिफिक चीज नहीं है इसमें सिर्फ कार्बन एक एलिमेंट नहीं है मिक्सचर ऑफ थिंग्स है ओके सो दैट इज एक्चुअली अ मिक्सचर एयर सोप वेरी गुड सोप मिक्सचर है मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ओके सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन इनटू एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स सो द नेक्स्ट इज यू हैव टू टेल वेदर द चेंज इज फिजिकल और अ केमिकल चेंज ग्रोथ ऑफ प्लांट जस्ट रेज योर हैंड वत्सल फिजिकल और केमिकल चेंज ग्रोथ ऑफ प्लांट्स केमिकल चेंज रस्टिंग ऑफ आयरन लास्ट सेकेंड एक्स हाँ आप ही अच्छा आपके पीछे भी है कोई रस्टिंग केमिकल बैठिए मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड केमिकल है आप सेपरेट नहीं कर सकते आयरन फिलिंग्स को सैंड में से तो फिर फिजिकली मिक्स हुए हैं बस तो दैट इज अ फिजिकल चेंज कुकिंग ऑफ फूड डाइजेशन बर्निंग ऑफ कैंडल बर्निंग का है मेल्टिंग नहीं का अगर तो मेल्टिंग बोला होता तो देन इट विल बी अ फिजिकल चेंज अभी वो कह रहे हैं बर्न हो रही है तो बर्निंग ऑफ एनीथिंग इट लीड्स टू अ केमिकल चेंज okay so burning of candle is a chemical change and freezing of water theek hai ji boron main batati hu dekha tune metalloids nahi hai yahan pe ये रहा लास्ट में बोरोन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम चलिए लेट्स रिवाइज दिस चैप्टर फ्रॉम द एनसीईआरटी आल्सो तो इसमें भी जो जो चीजें हैं हम वो देख लेते हैं एक बारी ओके अबाउट द ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस एंड अदर थिंग्स चलिए कमिंग ऑन द पेज नंबर 14 पहले पेज से स्टार्ट करते हैं So there they have written that how do you judge whether milk, ghee, butter, spices, mineral water that you buy from the market they are pure or not? ठीक है तो हम देख लेते हैं अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी है या नहीं अगर इम्प्योरिटीज हैं तो that means they are not pure substances. अगर इम्प्योरिटीज नहीं है तो they are the pure substances. Now next they are saying that the milk is actually a mixture of water, fat, proteins. So this can be asked to you that the milk is a mixture of what substances? ठीक है तो वाटर है इसमें फैट है और प्रोटीन्स है ओके नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर शुगर जो है इट इज अ टाइप ऑफ सब्सटेंस बिकॉज इट ओनली कंटेन्स वन काइंड ऑफ प्योर मैटर अगर आप शुगर की बात कर रहे हो तो उसमें शुगर 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 ही है
अगर स्टोन आ जाते हैं तो फिर वो इम्प्योर हो जाएगी. ओके, देन देयर विल बी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इट एंड दे विल बी फॉर्मिंग द मिक्सचर. क्योंकि हमने शुगर में कोई और चीज एक्स्ट्रा ऐड कर दी हुई है, इसलिए वो क्या बना देगी, फिर मिक्सचर फॉर्म कर देगी. ओके, सो सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऑयल, दे आर नॉट सिंगल सब्सटेंस, यू नो दैट. सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है. एंड सॉइल इज ऑल्सो मिक्सचर ऑफ क्ले सैंड ग्रेवल सॉइल पार्टिकल्स. ठीक है, तो दैट इज नॉट एक्चुअली द सिंगल सब्सटेंस. अलॉयज मैंने आपको बता दिया हुआ है, इसकी एग्जाम्पल जरूर याद कर लेनी है. दैट इज एक्चुअली मेंशनड इन योर एनसीईआरटी ब्रास. और परसेंटेजेस भी आपको याद होनी चाहिए, 30% उसमें जिंक है और 70% कॉपर. ठीक है, राइट. तो ब्रास में कितना जिंक है और कितना कॉपर है, 70%. एंड दे आर अलॉयज. ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं मेटल्स या नॉन मेटल्स के. ओके, टिंचर ऑफ आयोडीन का क्वेश्चन लर्न कर लेना है, आयोडीन इन अल्कोहल. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है. रेस्ट आपको कोई चीज दिख रही है तो आप पूछ सकते हो बेटा. टिंडल इफेक्ट पे आओ. टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम. ये भी आपको बताया हुआ है. ठीक है, कि जब आपके रूम में एक फाइन बीम ऑफ लाइट विंडो के थ्रू या किसी होल के थ्रू अंदर आती है, तो डेट ऑल्सो शोज द टिंडल इफेक्ट. क्योंकि स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर में, तो वो क्या करते हैं, एज अ पार्टिकल की तरह काम करते हैं एंड डेट डाइवर्ट द पाथ ऑफ डैट लाइट. ठीक है, और फॉरेस्ट में भी, कैनोपीज में भी क्या होता है, सेम फिनोमिना इज देयर. ओके, जहां पर मिस्ट, जो फॉग के पार्टिकल्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं, वो जो है एज अ पार्टिकल की तरह काम करते हैं और उनको क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं. ठीक है जी, बाकी ये टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. आई एम सेइंग अगेन, लर्न इट. कोलाइड्स वाला जो टेबल है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटरोजेनियस मिक्सचर्स कर लोगे. सोल, सॉल्यूशन, सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सोल भी आपको बताया हुआ है ना. ठीक है, तो कोलाइड्स की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे, कि कोलाइड सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन जो हैं वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, आपने ये बताना. ठीक है, सोल्स में भी दो तरह की आ जाती है, एक सॉलिड सोल है, एक नॉर्मल सोल है. ओके, तो आपको किसी का भी रिलेशन भी पूछ सकते हैं, कि जैसे फॉर्म है या इमल्शन है, वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, उसमें डिस्पर्स फेज कौन सा है, डिस्पर्शन मीडियम कौन सा है. एग्जाम्पल्स के थ्रू पूछ सकते हैं, इमल्शन की कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं इसमें से. ठीक है, जैसे आपको एमसीक्यूज आने हैं ना, आपको तीन चार ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से पूछ सकते हैं इमल्शन की कौन सी एग्जांपल है. ठीक है, ऑयल एंड लिक्विड वाला आपने देखना है. ओके, ऑयल इन वाटर इज ऑल्सो एन इमल्शन, ये याद रखना है, क्योंकि दोनों में लिक्विड फेजेस होते हैं ना, तो ऑयल भी आपका लिक्विड है, वाटर भी जो है वो लिक्विड है. ठीक है, तो इमल्शन की एक आप एग्जाम्पल में ऑयल एंड वाटर भी इंक्लूड कर सकते हो. ऑयल एंड वाटर, जैसे मिल्क की बोलते हो ना आप एग्जाम्पल, मिल्क की एग्जाम्पल बोलते हो इमल्शन में. ठीक है, वो कैसे बोलते हो, मिल्क में भी तो फैट है, ऑयल है, ठीक है, और वाटर है. तो डैट मीन्स अगर मिल्क एग्जाम्पल बन सकती है, तो ऑयल एंड फैट भी तो एग्जाम्पल हो ही सकती है. ठीक है, ऑयल एंड वाटर कैन बी द एग्जाम्पल. क्या क्या, ऑयल इन वाटर हमेशा पहले. अच्छा, ये भी बात आप पूछ लो. अब हमेशा जब आप बोलते हो ना डैश सब्सटेंस इन डैश सब्सटेंस, लाइक ऑयल इन वाटर आपने कहा, यहाँ पर ऑयल क्या मैं बोल रही हूँ, डैट इज एक्चुअली द डिस्पर्स्ड फेज. ठीक है, ये जो आप पहले वर्ड बोलते हो ना, डैट इज द डिस्पर्स्ड फेज, डैश इन डैश, डिस्पर्स्ड फेज इन डिस्पर्शन मीडियम. तो यहाँ पर ऑयल जो है वो डिस्पर्स फेस है, वाटर जो है वो क्या है, डिस्पर्शन मीडियम है. ठीक है, जैसे आपको उसमें भी मैंने पूछा था असाइनमेंट में भी, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, तो इसका मतलब क्या है, कि पहले हम क्या बताते हैं, डिस्पर्स फेस बताते हैं. ओके, ये याद रखना. हाँ जी, हाँ जी,
बट क्योंकि ये कोलाइड है तो यहाँ पर हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टर्म्स नहीं यूज करते हैं, हम कौन सी टर्म्स यूज करते हैं, डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम यूज करते हैं। वैसे मतलब सेम है बट टर्म्स डिफरेंट है। और आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, प्लीज इसको अपने दिमाग में बिठा लो, व्हेन यू आर हैविंग टू सेपरेट द डाई फ्रॉम द इंक, दैट इज बाय द इवेपोरेशन मेथड। कॉम्पोनेंट्स ऑफ डाई को सेपरेट करना है बाय द क्रोमेटोग्राफी मेथड। मैं अभी भी बोल रही हूँ, लिखना है कहीं पे लिख लो। मैंने पूरी 9th B क्लास की असाइनमेंट चेक की है और सब में मुझे एक ही मिस्टेक नजर आई है, ये वाली। That is the common throughout your class. एक बच्चा गलती कर सकता है, सारी क्लास ने गलती की है। You all are writing chromatography. क्यों? डाई को इंक में से कैसे सेपरेट करोगे? क्रोमेटोग्राफी से। फिर आप क्रोमेटोग्राफी क्यों मेंशन कर रहे हो? आपका तो हाल ये, एक ने कर ली, बाकी सारे चीटिंग करते हो मुझे तो लगता है। हाँ जी, कॉम्पोनेंट्स ऑफ डाई, द कॉम्पोनेंट्स ऑफ डाई दे आर सेपरेटेड बाय क्रोमेटोग्राफी एंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ द इंक दे आर सेपरेटेड बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के थ्रू आपने कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंक को सेपरेट करना है। इंक किस किस का मिक्सचर है सोच लिया करो ना, इंक है तो दिमाग में बस ये बिठा लो बस। अगर कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंक कहा है तो हमने वाटर को इवेपोरेट कर देना, पीछे क्या बच गई? डाई। अगर डाई के कॉम्पोनेंट्स कहा है तो डाई जो है वो क्या है? कलर्ड कॉम्पोनेंट है। तो कलर्ड कॉम्पोनेंट्स हम किससे रिमूव करते हैं? क्रोमेटोग्राफी से। ठीक है जी, बाकी हर एक सेपरेशन टेक्निक के आपको यूजेस जरूर पता होने चाहिए। यू मस्ट बी नोइंग द यूज ऑफ ईच एंड एवरी सेपरेशन टेक्निक। जैसे इवेपोरेशन के मैंने आपको यूज बता दिया एक ये, और लार्ज स्केल पे हम इसको कहाँ यूज करते हैं? फॉर द सेपरेशन ऑफ सी सॉल्ट। ठीक है, एंड चर्निंग मेथड लेबोरेटरीज में यूज करते हैं। ठीक है, और डेरीज में यूज करते हैं इसको। ठीक है, बटर अलग करने के लिए फ्रॉम द मिल्क एंड डायग्नोस्टिक के लिए। ठीक है, डायग्नोस्टिक इन लैब्स। और वॉशिंग मशीन में भी सेम फिनोमिना चलता है आपका। ठीक है, जब आप कपड़े जो है वो ड्राई करने के लिए डालते हो तो उसमें से पानी अलग हो जाता है और कपड़े जो है वो आपके अलग हो जाते हैं, सूख जाते हैं, डैट मीन्स। ओके, फॉर द सेपरेटिंग फनल, एक तो आपने ऑयल एंड वाटर को सेपरेट करना है, और बेंजीन, अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है उसको वाटर में से सेपरेट करना है, देन ऑल्सो यू कैन यूज दिस मेथड। और है वो तो हो गए, ऑयल्स तो हो गया, और मोल्टन आयरन फ्रॉम द स्लैग। आप क्या बोल रहे हो? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को हमने सेपरेट करना है। जैसे ऑर्गेनिक है, बेंजीन हो गया, टॉलुइन हो गया। ठीक है, आपको मरकरी भी बताया था मैंने, इनको जब आपने वाटर में से सेपरेट करना है तो ये जो है वो क्या बनाते हैं? लाइटर है तो ऊपर वाली लेयर बना देंगे और वाटर जो है वो नीचे वाली लेयर फॉर्म करेगा। ओके, और मोल्टन आयरन को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम इट्स स्लैग, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी जहां पर भी सब्लिमेशन का मेथड आएगा आपने एग्जाम्पल से देख लेना है। अमोनियम क्लोराइड, बेंजीन, एंथ्रासीन, कैम्फर, नेफ्थलीन। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स यहाँ पर भी आ गई, जस्ट एम्प्लॉय द सब्लिमेशन टेक्निक। ओके, राइट, अमोनियम क्लोराइड के कौन से आते हैं रेजिड्यूज? व्हाट इज द कलर ऑफ द रेजिड्यूज ऑफ अमोनियम क्लोराइड? राइट, ठीक है जी, क्रोमेटोग्राफी का मेथड मैंने आपको बता दिया है। क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है?
सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट, ठीक है, कि जो भी हमने सॉल्यूट यूज किए हैं वो सारे क्या होने चाहिए, दे मस्ट बी सॉल्युबल इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट, ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, वो सॉल्युबल हो जाते हैं और सॉल्वेंट के साथ क्या करेंगे, राइज करेंगे टू द हायर लेवल्स. क्रोमा मीन्स, ठीक है, तो क्रोमैटोग्राफी इज अ टेक्निक दैट इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन सेम सॉल्वेंट, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में क्लियर कट, टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड, ठीक है, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर, कलर्स इन दी डाई, स्पिनेज के कलर्स आप उसको सेपरेट कर सकते हो. बीड्स का क्या फंक्शन होता है, and that is clearly mentioned in the NCERT, the beads provide surface area for the vapors to cool and condense repeatedly, ठीक है, and fractional distillation आप petroleum products को separate करने के लिए भी use करते हो. मैंने बताया हुआ है आपको कि आप 8th class में ये पढ़ के आए हो, petroleum के कौन कौन से components होते हैं, kerosene oil, diesel, petrol, bitumen, paraffin wax, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो यूजिंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. एंड वन थिंग मोर, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमने वो वाले लिक्विड्स लेने हैं जो डीकम्पोज ना करे, जितना मर्जी हम उनको क्या कर ले, हीट कर ले, ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इट इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स That boil without decomposition, ठीक है, जो दो लिक्विड हम बॉइल करवा रहे हैं वो डीकम्पोज नहीं होने चाहिए, एज इट इज रहने चाहिए, ओके, ओनली देन वी कैन यूज दिस मेथड. और बॉइलिंग पॉइंट का अगर डिफरेंस 25 से ज्यादा है तो आप कौन सा मेथड एम्प्लॉय करोगे, और अगर 25 से कम है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमारे पास बीड्स हैं दैट आर गोइंग टू डू द रिपीटेड कंडेंसेशन, ठीक है. आर्गन का कौन सा बॉइलिंग पॉइंट है, कितना आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट है, माइनस आर्गन का, ओके, 186. नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, ठीक है, तो हमने ये लर्न कर लेने हैं. आपको बोला भी है अरेंज द गैसेस प्रेजेंट इन एयर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे कम किसका है, सबसे कम किसका है, नाइट्रोजन, फिर किसका है ऑक्सीजन, ठीक है. विच गैस फॉर्म्स द लिक्विड फर्स्ट एज द एयर इज कूल्ड, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो दैट विल बी फॉर्मिंग, ओके. ओके, अब इस पे आओ, एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स पे. सो द प्योर सब्सटेंसेस दे आर क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है, सब्सटेंस को हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं. रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661, सो दिस कैन बी एन एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है, कि किसने ये टर्म जो थी एलिमेंट के लिए दी थी, एंड इट वॉज रॉबर्ट बॉयल इन 1661, ठीक है. एंटोनियो लॉरेंट लेवोसियर, अ फ्रेंच केमिस्ट, वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश एन एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट. एलिमेंट की डेफिनेशन किसने दी थी, लेवोसियर ने, ठीक है, इन 1743-94. तो टर्म किसने दी थी, टर्म रॉबर्ट बॉयल, ठीक है, उसकी डेफिनेशन लेवोसियर ने दी, ओके, लेवोसियर ने उसकी क्या दी थी, डेफिनेशन दी थी. ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, हम बताते हैं कि एलिमेंट जो है वो सबसे छोटे से छोटा यूनिट है जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ब्रिक्स की, जो छोटे से छोटी चीज है हमारे घर को बनाने के लिए, डैट इज द ब्रिक, ठीक है, आपकी बॉडी को बनाने के लिए, तो वैसे ही एक एलिमेंट जो एक कंपाउंड है, ठीक है, एक कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए कौन सी छोटी से छोटी चीज है, एलिमेंट. एलिमेंट इज द मिक्सचर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ओके.
तो एटम्स है सबसे छोटी से छोटी चीज जो है वो कौन सी है हमारी एटम। ओके नेक्स्ट एलिमेंट्स को हमने फर्दर डिवाइड किया है मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में। ओके तो मेटल्स की आप प्रॉपर्टीज पढ़ के आए हो कौन कौन सी होती हैं? शाइनी होते हैं, शाइनिंग होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। दे आर हैविंग गुड कंडक्टिविटी, डक्टाइल होते हैं, डक्टिलिटी क्या होती है? दे कैन बी हैमर्ड टू ड्रॉन इनटू वायर्स एंड सोनोरस होते हैं, मैलेबल होते हैं। मैलेबल कौन सी प्रॉपर्टी है? दे कैन बी बीटन इनटू थिन थिन शीट्स, ठीक है। सो दैट इज द प्रॉपर्टी। तो एग्जाम्पल्स हो जाती हैं आपकी आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। दीज ऑल आर द मेटल्स एंड मर्करी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके एंड विच इज द ओनली नॉन मेटल दैट पोजेसेस शाइन? आयोडीन। नॉन मेटल दैट पोजेसेस शाइन इज आयोडीन। ओके और नॉन मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? सबसे डिफरेंट हो जाएंगी, जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं वो सारी आपने रिवर्स कर देनी है। दे आर नॉन सोनोरस, नॉन लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। दे आर नॉट डक्टाइल, नॉट मैलेबल, नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एग्जाम्पल्स और नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन हो गया डायमंड में, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ग्रेफाइट कार्बन की ही फॉर्म हो जाती है, क्लोरीन, हाँ, लेड इज अ मेटल, ठीक है। ओके तो ये सारी कौन सी चीजें हो जाती हैं? कोई भी डेफिनेशन या कोई भी एग्जांपल ना सूझे नॉन मेटल की, तो जितने भी आपकी डेली लाइफ में है, जैसे आप नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन हो गई, आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन है, उसके बाद क्लोरीन याद रख लो, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे क्या हैं? दीज ऑल आर नॉन मेटल्स। ओके कार्बन आल्सो, राइट। उसके बाद मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स दे आर द सब्सटेंसेस दैट बिहेव बोथ एज मेटल्स की तरह भी और नॉन मेटल्स की तरह भी बिहेव करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने मेन एग्जांपल्स याद रख लेनी है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ठीक है। इफ यू वांट टू ऐड ऑन यू कैन, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ओके, दीज ऑल आर द नॉन मेटल्स, मेटलॉइड, सॉरी। ओके देयर इज वन बॉक्स क्वेश्चन, The number of elements known at present are more than 100. ठीक है, ये अपने याद रखने हैं। इसमें से 92 elements जो हैं, they are naturally occurring. तो आपसे question पूछ सकते हैं MCQ में, that how many elements they are naturally occurring? 92 elements. And the rest they are man-made. Majority of elements सबसे ज्यादा क्या है? Solids हैं, ठीक है। Another question for you. That majority of the elements that are known till now, they are solid, liquid or gas? Solid. Solids. Second question. 11 elements are in gaseous state at room temperature. Kitne elements? 11. Another question MCQ. Ki 11 elements jo hai, wo gaseous hain. Aur more than zyada jo hai, wo kaun se hain? Solid. Two elements are liquid. Ye aapko pata hai. Theek hai? Ek bromine hai aur ek mercury. एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल। ओके तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा मेटल जो है वो क्या है? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है, या कौन सा नॉन मेटल जो है वो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, और टिल हाउ मेनी लिक्विड और हाउ मेनी एलिमेंट्स दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? टू। ओके एलिमेंट्स लाइक गैलियम एंड सीजियम दे बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर स्लाइटली, दे बिकम लिक्विड एट अ टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर, ठीक है। नॉर्मली अगर आप सीजियम को तो गैलियम को तो हाथ में भी पकड़ते हो तो वो मेल्ट कर जाता है, तो उनका रूम टेम्परेचर से भी जो कम है वो टेम्परेचर होता है, ठीक है। गैलियम एंड सीजियम जो इमिजिएटली मेल्ट कर जाते हैं जैसे ही आप उसको अपने पाम पे रखते हो, हाथ पे रखते हो। ओके
ओके नेक्स्ट इज अ गैस ऑब्टेन्ड इन ग्रुप वन. ग्रुप वन में कौन सी है? हाइड्रोजन है, याद रखना है. ओके विच इज द गैस दैट इज प्रेजेंट इन द ग्रुप वन. एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं ये सारे. इट इज कलरलेस, पता है, ऑडरलेस है और कंबस्टिबल है. एंड इट इज नॉट एडवाइज टू डू द कंबशन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन. पढ़ के जाओ नेक्स्ट.